पार्टी ने पूरे देश के अंदर नफरत की राजनीति फैलाई, जिस पार्टी के विधायक फर्जी वीडियो बनाकर मुजफ्फरनगर में दंगे करवाते हैं, जिस पार्टी के अंदर आज एक ऐसा मंत्री संजीव बाल्यान बैठा हुआ है जो दंगे का आरोपी है, जिस पार्टी ने पिछले अपने सारे इतिहास में 50 और सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं जहां वो नफरत की राजनीति फैलाने का काम करते हैं। पूरे चुनाव में मुझे याद है बनारस से लेकर दिल्ली तक में CIA का एजेंट और क्या क्या पोस्टर हम लोगों के खिलाफ छपवाए गए, बंटवाए गए। आज वो पार्टी झूठे आरोप लगा के पुलिस का इस्तेमाल करके, और पुलिस के अधिकारियों ने दबी जुबान में हमें बताया कि ऊपर से आदेश है, मजबूरी में हमें ऐसी कार्रवाई करनी पड़ रही है। हम जानते हैं कि दिलीप पांडे का इसमें कोई आरोप नहीं है, कोई उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो रहा है, फिर भी उनको जेल भेजने की हमारी मजबूरी है, उनको अरेस्ट करने की हमारी मजबूरी है। इस तरह की कार्रवाई बीजेपी जो कर रही है, इस कार्रवाई से उनको बाज आना चाहिए। ये सरासर निंदनीय है, इसके आम आदमी पार्टी हर स्तर पे इस प्रकार की कार्रवाई का हम लोग विरोध करेंगे।